दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अवधेश कुमार। आज हम बात करेंगे आशा और विश्वास की, यानी भरोसा और उम्मीद। आशा और विश्वास, इस पृथ्वी पे प्रत्येक प्राणी के अंदर ये दो शक्तियां मौजूद होती हैं, लेकिन इन दोनों आंतरिक शक्तियों को हमें जागृत करना पड़ता है, और जो इंसान इनको जागृत कर पाता है उस इंसान की सफलता का जो ग्राफ है वो बाकी इंसानों की सफलता के ग्राफ से हमेशा ऊंचाई की ओर चलने लगता है। भरोसा करना, इंसान का अपने आप पर भरोसा करना एक तरह से भगवान पर भरोसा करने के समान है। जब इंसान को अपने ऊपर भरोसा हो जाता है तो वह उसको जो बनना है, वो जो प्राप्त करना चाहता है या जो उसके लक्ष्य हैं उनको आसानी से प्राप्त कर पाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे ही इंसान को अपनी सफलता के लिए विश्वास हो जाए, वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना शुरू कर देता है और अपने कार्य को तीव्र गति से करना प्रारंभ कर देता है। इससे क्या होता है कि उसके कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं और इसी कारण से सफलता उसकी तरफ को तेजी से आना प्रारंभ कर देती है। तो दोस्तों, आपको अपने ऊपर विश्वास करना अति आवश्यक है, और अगर आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि आप वो भी देखने लगेंगे जो चीज अदृश्य है, आप वो भी करने लगेंगे जो दूसरे लोगों के लिए असंभव है। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि इतने कठिन कार्य को या इस असंभव से दिखने वाले कार्य को मैंने इतनी सरलता के साथ कैसे कर दिया। और दूसरी चीज है आशा। आशा और विश्वास, ये दोनों एक दूसरे के कोटिपूरक हैं, यानी कि इन दोनों का आपस में भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अगर आशा उज्ज्वल होती है, यानी कि आशा अगर आपकी बलवती होती है, तो आपका भरोसा या विश्वास भी बढ़ने लगता है, और अगर आपका भरोसा गिरने लगता है तो धीरे धीरे आपकी आशाएं भी धूमिल होने लगती हैं। जो लोग आशावादी होते हैं, यानी कि आशा या उम्मीद, आपने सुना होगा कि ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। जिन लोगों की आशाएं मजबूत होती हैं वो कठिन से कठिन दौर को भी आसानी से पार कर देते हैं और हर कार्य में उनको सफलता प्राप्त होने लगती है। इसलिए आपको ये दोनों शक्तियां अपने अंदर जागृत करनी पड़ेंगी ताकि आप दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श पेश कर सकें कि मैंने आशा और विश्वास के सहारे मैं जो आज तक लक्ष्य प्राप्त किए हैं उसमें मुझे कितनी आसानी हुई। और अगर आप भी इन दो गुणों को अपने अंदर जागृत कर लोगे तो आपको भी आसानी हो जाएगी। यानी कि अगर आशा और विश्वास की दोनों चीजें आपके पास हैं तो आपका जीवन कभी भी अंधकार में नहीं हो सकता, और जो भी उद्देश्य या लक्ष्य आप अपने लिए निर्धारित करोगे, चाहे आप IAS बनना चाहते हैं, चाहे आप इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं, या आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, या आप अच्छा नेटवर्कर बनना चाहते हैं, या आप अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर बनना चाहते हैं, या आप अच्छा पिता बनना चाहते हैं, या आप अच्छा पुत्र बनना चाहते हैं, तो इन दो गुणों का सहारा आपको चाहिए ही चाहिए। ये हर क्षेत्र की बेसिक जरूरत है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बल्कि मैं तो ये बलपूर्वक कहूँगा कि आप अपनी आशा को कभी टूटने न दें और अपने विश्वास को कभी कम न होने दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो विजय हमेशा आपके कदमों में रहेगी। थैंक यू वेरी मच, आपने पूरी वीडियो को देखा, लेकिन मैं एक बार आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप समय से देख पाएँ। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यंता।